गुड मॉर्निंग एवरीवन. ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर रनिंग चल रहा है और लास्ट क्लास में मैंने आपको ये समझाया था कि कैसे इम्प्लांटेशन होता है. जैसे ही एम्ब्रियो फेलोपियन ट्यूब से मूव करता हुआ तो उसकी ब्लास्टुला जो स्टेज है जब एंडोमेट्रियम की वॉल के पास आती है तो जो ब्लास्टुला की ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है जिससे एंडोमेट्रियम रप्चर होती है और जो ब्लास्टुला है वो अंदर तक पेनिट्रेट होता चला जाता है और फिर उस ब्लास्टुला के बाहर एक और लेयर बन जाती है और इस तरीके से अटैचमेंट या इम्प्लांटेशन हो जाता है ब्लास्टुला स्पेस का एंडोमेट्रियम के अंदर. ओके बच्चों, तो जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है और इसी दौरान जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है ब्लास्ट जो सेल्स है बच्चों वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है एचसीजी. एचसीजी की फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन गोनेडोट्रोफिन हार्मोन. हाँ, अब बच्चों यहां से मैं वापस से पीछे जा रहा हूं एक बार कि जो इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसके बाद में जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं उनसे कोरियोनिक कोरियोन बनती है. कोरियोन क्या है बच्चों? ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है. तो कोरियोन के थ्रू ये हार्मोन रिलीज होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन. ये हार्मोन बच्चों एलएच हार्मोन जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उनका वर्क ले लेता है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है और उससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करवाता है ये हार्मोन. और इसकी प्रेजेंस को ब्लड के अंदर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके ब्लड के अंदर और यूरिन के अंदर देखा जा सकता है. तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं वो इसी कंसेप्ट पर होते हैं कि अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह सबसे पहला जो यूरिन पास आउट होता है तो उसको प्रेगनेंसी किट पर गिराया जाता है तो वहां पर ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी शुरू हुई या नहीं हुई है. तो वहां पर बच्चों यूरिन के अंदर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन होता है जो ये शो करता है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं गैस्ट्रुलेशन. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों गैस्ट्रुलेशन. अब गैस्ट्रुलेशन क्या है कि जब बच्चों एम्ब्रियो की ब्लास्टुला स्टेज जब इम्प्लांट हो जाती है तो धीरे धीरे अब जो सेल्स हैं उनमें मूवमेंट होता है ब्लास्टुला के, सेल्स की प्लेस चेंज होती है, सेल का नंबर इंक्रीज होता है और एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रुला. ठीक है, तो ये जो गैस्ट्रुला स्टेज का बनना ये क्या कहलाता है? गैस्ट्रुलेशन कहलाता है. और इनके अंदर थ्री प्राइमरी जर्म लेयर्स बनती है. ठीक है ना, गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ थ्री प्राइमरी जर्मिनल लेयर इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन. तो इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म जो है थ्री जर्म लेयर्स बनती है और इन तीन जर्मिनल लेयर से ही बॉडी के जितने भी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है. ओके बच्चों, तो यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन का मतलब है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने पर थ्री प्राइमरी जर्म लेयर्स का बनना. ठीक है, अच्छा एक चीज और बच्चों, शुरुआती 3 से 4 महीने 3 to 4 months तक जो प्रोजेस्टेरोन का रिलीज होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है. तो कॉर्पस ल्यूटियम एक तो एंडोमेट्रियम की वॉल को फिट बनाए रखने में, इसके अलावा प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में अपना रोल प्ले करता है. आफ्टर 3 to 4 months मतलब 3 से 4 महीने के अंदर कंप्लीटली प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर और प्लेसेंटा फिर एंडोक्राइन ग्लैंड का भी रोल प्ले करता है
और भी कई सारे फंक्शन है जो प्लेसेंटा प्ले करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये गैस्ट्रुलेशन का पार्ट था कि थ्री प्राइमरी जर्म लेयर का फॉर्मेशन होना, इसे हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। नेक्स्ट लेते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। नेक्स्ट इज ऑर्गेनोजेनेसिस। बच्चों ध्यान से देखिए कि जब एम्ब्रियो के अंदर थ्री प्राइमरी जर्म लेयर्स बन जाती हैं, तो स्लोली धीरे धीरे क्या होता है कि इन जर्म लेयर्स से क्या होता है कि डिफरेंट टिश्यूज एंड डिफरेंट ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स, द डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स फ्रॉम द थ्री प्राइमरी जर्म लेयर्स इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस, इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। ओके बच्चों, तो आपको पता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो वन मंथ के अंदर जो पहला साइन आता है वो हार्ट बीट का आता है। जब एक महीना या चार हफ्ते फोर वीक कंप्लीट हो जाते हैं तो जो पहला साइन है प्रेगनेंसी का वो है हार्ट बीट की साउंड। तो इसको सोनोग्राफी के द्वारा सुना जा सकता है। तो जब पीरियड्स नहीं आते हैं, द एब्सेंस ऑफ पीरियड या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होती है, तो ये प्रेगनेंसी को शो करता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में फीमेल जब गायनिक डॉक्टर को दिखाती है तो डॉक्टर सोनोग्राफी करवाती है और उसमें फर्स्ट मंथ कंप्लीट होने पर जो बच्चे की हार्ट बीट है स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उससे ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी का वन मंथ हो गया, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई। और वहां से फिर वो अप्रोक्सीमेटली एक टाइम दे देते हैं कि एट मंथ के बाद इस स्टेट को चांसेस हैं डिलीवरी होने के, बच्चे के पैदा होने के। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में क्या आया, हार्ट की साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। सेकेंड मंथ में क्या होता है कि जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है या फीटस है, उसके ऊपर लिंब बर्ड, आई बर्ड, जो रूडिमेंट्री बर्ड है, ये सब डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड मंथ कंप्लीट होते होते लगभग जो मेजर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे बन जाते हैं फीटस के अंदर। अब जो फीटस है वो यूटेराइन कैविटी में आ जाता है और फीटस का और मदर का कनेक्शन अम्बिलिकल कोड के थ्रू होता है। प्लेसेंटा एंडोमेट्रियल मैट्रियम की वॉल के अंदर होता है और उसके सेंटर से अम्बिलिकल कोड निकलती है जो बच्चे की नाभि से अटैच होती है। बच्चा फ्लॉट करता है मदर के यूटेराइन कैविटी के अंदर, एक ट्यूब के अंदर, जिसे हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा लेते हैं हम बच्चों, जब 5 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, जब प्रेगनेंसी के 5 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, तो बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है, सारे ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, आई लिड ओपन हो जाती है, सिर के ऊपर हेयर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डेवलप हो जाता है। 6 मंथ का बच्चा पूरी तरीके से डेवलप होता है और अगले 2-3 महीने और वो मदर के वॉर्म के अंदर, यूट्रस के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। मदर के यूट्रस के अंदर क्या रहता है बच्चों, वो प्रोटेक्टेड रहता है अगले 3 महीने तक। और जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर बच्चा बॉडी से बाहर डिलीवर होता है। तो ये बच्चों सीक्वेंस रहता है प्रेगनेंसी के दौरान डेवलपमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम मेम्ब्रेन। बच्चों जो रेप्टाइल्स हैं, जनरली क्या होता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे कि फ्रॉग वगैरह, एम्फीबियंस हैं, तो इनके अंदर जो एम्ब्रियो है वो पानी के अंदर रहता है और पानी एक फ्लूइड है तो पानी के अंदर वो प्रोटेक्टेड रहता है। लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं एंड मैमल्स हैं, तो इनके अंदर क्या होता है कि मेम्ब्रेन पाई जाती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। तो जो ये मेम्ब्रेन हैं, जैसे ह्यूमन की अगर मैं बात करूँ तो एलेंटॉइस, ठीक है, सेकंड है योक सैक, थर्ड है बच्चों एमनियन, एंड फोर्थ है कोरियन, एमनियन एंड फोर्थ इज द कोरियन।
तो ये बच्चों चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन भी देती है, और इनमें जैसे कि मैं अगर एलेंटोइस की बात करूँ तो यहाँ पर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन भी होता है, और एमनियोन जो है इसके अंदर जो कैविटी है इसे एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, जिसमें एमनियोटिक फ्लूड होता है, ठीक है, एमनियोन के बाहर कॉरियन होती है। तो यहाँ बच्चों में एक स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ कि कैसे अटैच रहता है जो फिटस है माँ के गर्भ के अंदर, ठीक है। तो आप मेरे साथ इस डायग्राम को ड्रॉ करना, और ये जो मेम्ब्रेन्स हैं इनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन इस डायग्राम के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो
ये बच्चों प्रेगनेंसी के दौरान कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड ये है बच्चों एलेंटॉइड, एंड ये है यॉर्क सैक, फीटस, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक फ्लूइड, बच्चों ध्यान से देखिए इस डायग्राम को कि जब 3 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं या 4 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो जो फीटस है वो यूटेराइन कैविटी में आ जाता है, और यहाँ देखिए ये बच्चों म्यूकस के सीक्रेट होने से एक प्लग लग गया है जो कि यहाँ ब्लॉक कर देता रहता है, जिससे ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है फीटस प्रोटेक्टेड रह सके। यहाँ बच्चों ये जो मेम्ब्रेन है इसे हम एलेंटॉइस कहते हैं, इस मेम्ब्रेन को यॉर्क सैक कहते हैं, और ये जो मेम्ब्रेन है इसे एमनियन कहते हैं, और इसको सराउंड करती है कोरियन। ठीक है बच्चों, तो ये फीटस है, फीटस का कनेक्शन प्लेसेंटा के थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा है। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ब्लड वेसल एंड वेन्स होती है जो कि एक मीडियम है प्लेसेंटा और फीटस के बीच में, गैसियस एक्सचेंज के लिए, न्यूट्रिशन के एक्सचेंज के लिए, वेस्ट मटेरियल के एक्सचेंज के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्चों एक फ्लूड है जिसे एमनियोटिक फ्लूड कहते हैं, और ये कुशन देता है, ये फीटस को कुशन देता है, फीटस को इंजरी से बचाता है। जब मदर चलती है, सोती है, बैठती है तो उस समय फीटस को कोई धक्का ना लगे या चोट ना लगे, इंजरी ना हो, तो एमनियोटिक फ्लूड एक कुशन प्रोवाइड कराता है और फीटस को प्रोटेक्टेड रखता है। फीटस को क्या करता है बच्चों, प्रोटेक्टेड रखता है। ठीक है, इस एमनियोटिक फ्लूड के अंदर फीटल सेल्स होती है। क्या होती है, एमनियोटिक फ्लूड के अंदर फीटल सेल्स होती हैं, इसे हम कहते हैं एमनियोसेंट, एक टेक्निक है बच्चों एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, एक टेक्निक है बच्चों एमनियोसेंटेसिस जो कि बैन है, ठीक है, लीगल नहीं है। इस टेक्निक के अंदर क्या करते हैं, एक हाइपोडर्मिक नीडल के द्वारा एमनियोटिक फ्लूड को लेते हैं, और इस एमनियोटिक फ्लूड के अंदर फीटल सेल्स होती हैं, और उन जनरली इस टेक्निक का यूज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को पता लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन इललीगली आज के टाइम में इसका यूज प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि जो फीटस है उसके सेक्स को पता लगाने के लिए इस टेक्निक को इललीगली यूज किया जाता है। उसमें हाइपोडर्मिक नीडल के द्वारा फीटल एमनियोटिक फ्लूड को लेकर उसमें फीटल सेल्स को एग्जामिन किया जाता है और सेक्स का डिटरमिनेशन किया जाता है कि वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, पहले इसका मेन यूज ये टेक्निक क्यों डेवलप की गई थी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को पता लगाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस टेक्निक का नाम क्या है, एमनियोसेंटेसिस। तो ये बैन है, तो इस तरीके से बच्चों ये चारों मेम्ब्रेन फीटस को प्रोटेक्टेड रखती है। एलेंटॉइस के अंदर जब तक लीवर नहीं बनता है तो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इसी तरीके से यॉर्क सैक के अंदर यॉर्क का स्टोरेज तो नहीं होता लेकिन ये फीटस के प्रोटेक्शन में रोल प्ले करती है। एमनियन के अंदर भी कुछ हद तक ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है और कोरियन उसको प्रोटेक्टेड रखती है।
ठीक है बच्चों, तो ये प्रेगनेंसी के टाइम कुछ इस तरीके का जो इमेज नजर आता है। नेक्स्ट मैं लेता हूं प्लेसेंटा। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है प्लेसेंटा। बच्चों ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड, ओके। और ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, ये प्लेसेंटा है। तो इनिशियली 3 मंथ तक क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वहां पर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनने लग जाती है या बन जाती है। इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा कहते हैं और इसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होता है। इसके सेंटर से एक कॉर्ड निकलती है जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है बच्चे की नाभि से, फिटस की नाभि से अटैच होती है। इनके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, वेल्स पाई जाती हैं। ओके बच्चों, तो ये तो डायग्राम है प्लेसेंटा का। अब बात करते हैं फंक्शंस की। बच्चों प्लेसेंटा एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, ये माँ और बच्चे के बीच में एक कनेक्शन है। प्लेसेंटा के द्वारा न्यूट्रिशन पहुंचता है फीटस तक, प्लेसेंटा के द्वारा ऑक्सीजन गैस पहुंचती है फीटस तक। प्लेसेंटा एक बैरियर भी है कि जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वहां से बच्चे के अंदर नहीं जा पाते, ठीक है। तो मदर से बच्चे की बॉडी के अंदर जो बच्चा है, जो फीटस है, फीटस के, अच्छा एक चीज और, मैंने आपको अभी एमनियोटिक फ्लूड के बारे में बताया था तो मुझे याद आ गया कि जो एमनियोटिक फ्लूड है वो एक्चुअल में एक्सक्रीटरी मटीरियल है फीटस का, कि फीटस की किडनी और ब्लडर से जो यूरिन निकलता है वो ही एमनियोटिक फ्लूड है। और ये जो एमनियोटिक फ्लूड है हर 24 घंटे के बाद में चेंज होता रहता है, ठीक है बच्चों। तो मदर से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन गैस मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है बच्चे को, ठीक है। और बच्चा जो वेस्ट रिलीज करता है वो भी अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए प्लेसेंटा के थ्रू मदर के बॉडी में चला जाता है। इसके अलावा प्लेसेंटा एक टेम्पररी ग्लैंड का काम करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती है, कि जब 3 महीने बाद में जब प्लेसेंटा पूरी तरीके से बन जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो जाता है, रिग्रेस हो जाता है, ठीक है। तो उसकी जगह ले लेता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। प्लेसेंटा एस्ट्रोजन हार्मोन भी रिलीज करता है। प्लेसेंटा
HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी रिलीज करता है, और इसके अलावा HPL प्लेसेंटा एक और हार्मोन रिलीज करता है, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। तो जो प्लेसेंटा है वो HPL हार्मोन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन भी रिलीज करता है, जो कि फीमेल के अंदर मेमरी ग्लैंड के, फीमेल के अंदर जो मेमरी ग्लैंड है उनके डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है, इंड्यूस करता है। तो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट भी प्ले करता है प्लेसेंटा। तो इतने सारे फंक्शंस हैं प्लेसेंटा के। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं पार्टूरिशन। बच्चों गेस्टेशन पीरियड क्या है? गेस्टेशन पीरियड क्या है? प्रेगनेंसी पीरियड के इम्प्लांटेशन के बाद में, प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के बाद में जो पूरा गर्भकाल है उसे हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और ये अलग अलग एनिमल में अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन के अंदर 9 मंथ है, तो 9 को आप 3 से करें तो 270, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन के अंदर 270 डेज और 280 डेज होता है, या तो 270 दिन या 280 दिन, ठीक है। हमने 9, 3 या 27 किया है, कई बार कुछ मंथ ऐसे भी होते हैं जो 31 डेज के होते हैं, तो ऐसा कुल मिला के 280 डेज भी हो सकता है, 270 डेज भी होता है। तो ये गेस्टेशन पीरियड है। इसके अलावा अगर मैं कैट और डॉग की बात करूँ, तो कैट और डॉग की बात करूँ तो वहां पर 60 और 62 डेज। कैट और डॉग के अंदर जो गेस्टेशन पीरियड है वो 2 मंथ का ही होता है, तो या तो 60 डेज या 62 डेज या 63 डेज का वहां पर गेस्टेशन पीरियड होता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ये क्या है? ध्यान से देखना बच्चों, ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है कि जब 9 मंथ यानी कि 270 डेज जब कंप्लीट हो जाते हैं, तब फीटस से कुछ इंपल्स जाते हैं ब्रेन के अंदर। फीटस से क्या देते हैं? कुछ इंपल्स जाते हैं ब्रेन के अंदर, और ब्रेन फिर ऑर्डर देता है यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन के लिए। तो यूट्रस का जो कॉन्ट्रेक्शन है वो बढ़ जाता है, यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन होते हैं जिसे हम लेबर कहते हैं। यूट्रस में जो कॉन्ट्रेक्शन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लेबर कहते हैं, ठीक है। और उससे जो दर्द होता है उसे हम लेबर पेन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसे हम क्या कहते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। साथ ही साथ जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां के पोस्टीरियर पार्ट से ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो ऑक्सीटोसिन है ये बर्थ हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन क्या है बच्चों? बर्थ हार्मोन है। तो इससे क्या होता है कि जो कॉन्ट्रेक्शन है यूट्रस के वो और इंटेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन इज नॉन एज बर्थ हार्मोन। तो तेज यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शंस के कारण से और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के कारण से बच्चे को धक्का लगता है, पुश लगता है, और बच्चा बॉडी से बाहर डिलीवर हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? पार्टूरिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टूरिशन, पार्टूरिशन द डिलीवरी ऑफ द बेबी, द डिलीवरी ऑफ द बेबी आउटसाइड द मदर्स बॉडी इज कॉल्ड पार्टूरिशन। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण से जो तेज यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन थ्रू है वो, और एक फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के कारण से भी जो यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन तेज हुए थे, उन दोनों की वजह से ही क्या हुआ कि बच्चे को एक धक्का लगा और बच्चा बाहर डिलीवर हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं? पार्टूरिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टूरिशन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं। अच्छा, ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं।
तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है बच्चों? कि मैंने बताया था कि HPL हार्मोन की वजह से मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। HPL की वजह से क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद में प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण से मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है मेमोरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है। और जब बच्चा शक करता है, जब बच्चा शक करता है निप्पल को, ब्रेस्ट के निप्पल को, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और जो मिल्क है वो इजेक्ट होता है, मिल्क जो है रिलीज होता है। इसे हम क्या कहते हैं? लैक्टेशन कहते हैं, ठीक है ना। द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड लैक्टेशन। इसे हम क्या कहते हैं? लैक्टेशन कहते हैं। तो माँ जो है, माँ अपने इन्फेंट को, अपने बच्चे को दूध के द्वारा फीड करती है। माँ का जो दूध होता है बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। पर डे एक मदर 1 से 2 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करती है, जो बच्चे को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करती है। शुरुआत में बच्चे का जो, शुरुआत में 6 महीने तो वही बच्चे का फूड है, कंप्लीट फूड है माँ का दूध, ठीक है। शुरुआती 6 महीने तक तो डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को बाहर से कोई भी दूध या पानी ना पिलाया जाए, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए एकदम सूटेबल रहता है कंप्लीट फूड के रूप में अगले 6 महीने तक, ठीक है। इस दूध के अंदर शुगर भी होती है, प्रोटीन होती है, कैसीन एंड लैक्टोएल्बुमिन प्रोटीन होती है। इसके अलावा सॉल्ट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, जो बच्चे को कंप्लीट फूड के रूप में जो है न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बच्चों और टर्म है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या है? कि बच्चे के जन्म के बाद में शुरुआती 3 से 4 दिन का जो दूध होता है, जो गाढ़ा दूध होता है, येलोइश जो मिल्क होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो कोलोस्ट्रम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, उसके अंदर प्रोटीन तो होती ही है, साथ साथ में जो एंटीबॉडीज हैं वो भी होती हैं, जो बच्चे को एंटीबॉडीज देती हैं और बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। तो इनिशियल 3 to 4 डेज का जो मिल्क है मदर का, उसे हम क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं।